Okay, so hi, good afternoon everyone. How are you? And now we are going to start. एक मिनट. ओके जी, तो यहाँ पर सॉल्यूशंस का आज मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है वन शॉट रहेगा, ठीक है? और इसी के साथ सॉल्यूशंस हमारा फिनिश हो जाएगा. देखिए, अगर हम तो सॉल्यूशंस काफी बड़ा यूनिट है एंड इट इज क्वाइट स्कोरिंग इम्पॉर्टेंट तो है ही, है ना? तो हमने काफी सारा पोर्शन कवर कर लिया है. वी हैव डिस्कस द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उसके बाद हमने आपका आइडियल नॉन आइडियल राउट्स लॉ, हेनरीज लॉ, सॉलिबिलिटी पर कैसा क्वेश्चन बनता है, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस के एग्जांपल्स कैसे देखे जा सकते हैं, वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं ना. सो इन दिस सेशन व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस चैप्टर व्हिच इज एजियोट्रॉप्स एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो आज के सेशन में लेट मी टेल यू, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और क्या होते हैं एजियोट्रॉप्स. उसी से होगी हमारे सेशन की स्टार्टिंग. आई होप कल मैंने आपको जो नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन बताया था उसके एग्जाम्पल्स आपने जाकर रिवाइज किए हैं. सो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट दी सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. गाइज, दिस इज आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, qualified by CSIR NET with AR35, also get qualified in chemical sciences and secured an international rank of 29. और भाई बाकी भी मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, आई एम श्योर काफी लोग को ये रट चुका है इंट्रोडक्शन मेरा, है ना? है ना? चलो तो स्टार्ट करें. देखिए, मैटर ये करता है कि मेरे साथ ये जो आप पढ़ रहे हो आज, स्पेशली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए, यानी यहां से क्वेश्चन आता है तो एकदम ठीक है. चलो आगे चलते हैं. और देखो जी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, सो लेट्स क्विकली मूव टू दी टॉपिक. देखो, ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया है ना. उसके बाद कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं ये मैंने आपको बताया था. और आज की क्लास तो बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में. और सॉल्यूशन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब हमेशा ही यहां से क्वेश्चन आता ही आता है. सो इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. और उसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे स्पेशल क्लास में, ठीक है? हेनरीज लॉ देख लो, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन भी बताया मैंने आप लोगों को. देन उसके बाद राउल्ट्स लॉ हमने कल डिस्कस किया, उसका ग्राफ कैसे आता है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, वेपर प्रेशर प्लॉट कैसे बनता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में डिस्टिंक्शन हमने किया. और एग्जांपल्स, देखो एग्जांपल्स मैंने वैसे तो डिस्कस कर लिए थे, बट लेट मी गिव यू अ क्विक शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस. यहां पर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मैं बता रही हूं आपको क्या कि जो आपके पास क्या बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ना, जो हमारे ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, प्लीज ध्यान से सुनेंगे. अच्छा यार, एक काम नहीं किया हमने, मेरे को ध्यान आ गया, तो थम्स अप हो जाए, अटेंडेंस लगा दो. जितने लोग अभी मेरे साथ कनेक्टेड है, अ लॉट ऑफ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, मेरे को पता चल जाना चाहिए यू ऑल आर रेडी. स्टार्ट किया जाए सॉल्यूशन चैप्टर को. मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में आपको बताने वाली हूँ कि जो पॉजिटिव डेविएशन आता है और जो नेगेटिव डेविएशन आता है उसके लिए ट्रिक क्या याद रख सकते हैं हम, एग्जाम्पल ध्यान रखने के लिए, ठीक है? तो चलिए फटाफट अ लॉट ऑफ थम्स अप हो जाने चाहिए, मेरे को पता चल जाए कि यू ऑल आर रेडी फॉर दी सेशन क्विकली. और थम्स अप मतलब यहाँ चैट सेक्शन में भी और लाइक भी हो जाना चाहिए, ठीक है? क्विकली शेयर करिए सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड आर यू रेडी कि हम सुने ये ट्रिक कि क्या होता है, क्या ट्रिक्स हो सकती है कि आपको ये पता चल जाए पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा और नेगेटिव डेविएशन कब आएगा. हालांकि कल अगर किसी ने नीट 3.0 वाला सेशन देखा है, अगर आप 22 वाला भी देख लेते हो कभी कभी, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया है, तो जल्दी से बताएंगे मुझे, बता दो जी फटाफट. स्टार्ट किया जाए सेशन यहां से हमारा. सो शुड वी स्टार्ट विद दी सेशन क्विकली? हाँ जी, ठीक है, परफेक्ट. तो देखो, पॉजिटिव डेविएशन के केस में यूजुअली आपको देखने को मिलेगा अल्कोहल्स, ठीक है? अल्कोहल्स देखने के लिए मिलती हैं, कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4. जहां ये वाले मिक्सचर मिल जाए, मतलब जैसे कि इथेनॉल प्लस CCl4, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, या वाटर प्लस मीथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, तो अल्कोहल आ गया, तो मतलब पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा. नेगेटिव के केस में यूजुअली आपको एसिड्स गिवेन होंगे, वीक एसिड वीक बेस का मिक्सचर गिवेन होगा, जैसे फिनॉल और एनिलीन दे देंगे. जैसे आपके पास एसिड्स में नाइट्रिक एसिड एंड वाटर दे दिया, ठीक है? तो नेगेटिव डेविएशन के केस में आई होप आप सबको पता है कि जो ए बी इंटरैक्शन होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दी AA and BB interactions, right है जी? और उसके बाद जो positive deviation होता है, उसके case में क्या होता है कि आपका जो AB type of interaction होता है, that is weaker as compared to your AA and BB type interactions. मतलब solute-solute, solvent-solvent are stronger as compared to solute-solvent interactions, है ना जी?
तो यहाँ तक की क्लैरिटी है. अब देखो अगर आपके सामने एग्जाम्पल आ जाए, मैं आपसे पूछ रही हूँ लेट्स से कि यहाँ पर HCl प्लस वाटर, बताओ जी कौन सा वाला आपका ये HCl प्लस वाटर कौन सा डेविएशन दिखाएगा. कौन बता रहा है मेरे को जल्दी से बता देंगे इन दी कमेंट सेक्शन. हु इज गोइंग टू टेल मी दैट HCl और वाटर कौन सा वाला डेविएशन दिखाएंगे, वेदर पॉजिटिव डेविएशन या फिर नेगेटिव डेविएशन. जल्दी से बताएंगे सब लोग पॉजिटिव डेविएशन होगा कि नेगेटिव डेविएशन होगा. अच्छा कल जो है, कल से आपका न्यू यूनिट स्टार्ट हो जाएगा विच इज सॉलिड स्टेट्स. तो ये सॉल्यूशंस को चलते हुए थोड़ा लंबा हो गया है ना, कोई बात नहीं. लेकिन आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आई डोंट नो सब कहां पर गायब है. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो सेशन है इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यार सॉल्यूशन में क्वेश्चन यहीं से आते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है वहां से स्टिल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर क्योंकि क्वेश्चन जो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आएंगे वो यहीं से आएंगे. ठीक है. हेलो, हाय नीतू, हाउ आर यू. मंथन टेस्ट सीरीज के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. देखो यार ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड लिखा है तो बस नेगेटिव डेविएशन होना था. किसने बोला है पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, ऐसे कैसे हो गया भाई. नो, नॉट पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन. देखो ना अभी तो ट्रिक बताया तुम्हें, एसिड्स एसिड्स होगा तो इधर कहीं एल्कोहल CH2CCl4 कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को. तो होता क्या है HCl और वाटर को एक साथ मिक्स करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शुरुआत हो जाती है. तो जी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो स्टेबिलिटी मिल रही है ना आपके फाइनल सोल्यूशन को, राइट है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक विच इज एजियोट्रॉप्स. एजियोट्रॉप्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान से देखेंगे सब लोग. एजियोट्रॉप्स को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे हम इसको, क्या होते हैं आपके पास एजियोट्रॉप्स, कौन कौन जानता है. देखो एजियोट्रॉप्स का मतलब है कि अगर आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो सॉल्यूट है और दूसरा क्या है सॉल्वेंट है. वन इज सॉल्यूट, वन इज सॉल्वेंट. तो जहां पर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो वाला मिक्सचर ऑफ लिक्विड जहां पर आपका इस तरीके से, मान लो जी हमने ना ये एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, सॉल्यूशन में मैंने क्या डाला, इथेनॉल C2H5OH व्हिच इज माय लेट्स से सॉल्यूट, और मैंने इसमें वाटर मिक्स कर दिया. तो यहां पर क्या होता है, देखो ये लिक्विड्स प्रेजेंट होंगे, इनका कुछ ना कुछ लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन होगा, उसको आप एक्स ए एंड एक्स बी बोलते हैं. उसके बाद इधर जो एम्प्टी स्पेस है यहां पर वेपर उड़कर गया है, तो यहां पर वेपर्स प्रेजेंट होंगे, वेपर्स प्रेजेंट होंगे, ये लो वेपर बना दिए मैंने, है ना. अब इन वेपर फेज में भी कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन रहा होगा जिसको आप क्या बोलते हो, वाई ए और वाई बी बोलते हो. तो सॉल्यूशन में जब आपका वेपर फेज और ये वाला लिक्विड फेज और वेपर फेज का कॉम्पोजिशन सेम टू सेम हो जाए, ठीक है, जब आपका लिक्विड फेज और वेपर फेज का कॉम्पोजिशन सेम टू सेम हो जाए तो आपका जो पूरा का पूरा लिक्विड मिक्सचर बना है ना वो एक ही टेम्परेचर पर बॉइल करना शुरू कर देता है, उसी को हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं. यानी इस बात को मैं थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग को समझा देती हूँ. मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है, ठीक है, ये आपके पास एक कंटेनर है. देखो इसके अंदर क्या डाला मैंने, एक तो आपका C2H5OH यानी कि इथेनॉल डाल दिया और एक मैंने क्या डाला, वाटर. मेरे को फटाफट बताओ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यार सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस, अराउंड 373 केल्विन होगा. आप मीथेनॉल, सॉरी ये इथेनॉल है, इसका रहता है 353 केल्विन, मैं ऐसे अप्रोक्सीमेट ले रही हूँ, 353 केल्विन रहता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है. तो अब अगर हम दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं, मैं क्या करूंगी, मैं इधर टेम्परेचर, मतलब मैंने फ्लेम लगा दिया और मैं टेम्परेचर को ले गई कहां तक, 353 केल्विन पर. तो जब मैं टेम्परेचर को 353 केल्विन पर लेकर जाऊंगी तो वाटर तो बॉयल होना स्टार्ट नहीं करेगा लेकिन C2H5 बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहां पर C2H5OH की आपके पास वेपर्स रहेंगी. और अगर मैं यहां पर एक दूसरा कंटेनर लगा देती हूं इस तरीके से, ठीक है, ये एक मैंने कंटेनर लगा दिया कि जितनी वेपर्स यहां पर बन रही हैं वो यहां आकर कलेक्ट होकर कंडेंस हो जाए, तो मेरे पास इस वाले कंटेनर में जिसको हम डिस्टिलेट बोलते हैं क्या बच जाएगा, C2H5OH बच जाएगा, है ना, C2H5OH बचेगा ना, क्योंकि आपने यहां से इतना टेम्परेचर दिया जितने पर ये इथेनॉल आपका बॉइल करता है. तो जब इथेनॉल के वेपर्स बन गए, इथेनॉल के वेपर बन गए तो भाई इथेनॉल यहां आ जाएगा. लेकिन आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जब ये बना लेते हैं तो इसी को ना बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर जब आप सेपरेट करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर जब आप लिक्विड्स को सेपरेट कर देते हो, अलग अलग कर देते हो, ऐसे डिस्टिलेट और रेसिड्यू आ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है. लेकिन जब आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करते हैं तो ओवरऑल जो मेरा मिक्सचर है ना
एक ही पूरा मिक्सचर यानी मीथेनॉल और वाटर जब बनकर एक पूरा सॉल्यूशन बना है तो पूरा सॉल्यूशन एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉयल होने लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन आपके वेपर फेज के इक्वल हो जाते हैं टू द लिक्विड फेज, दैट्स इट। इसी को क्या कहा जाता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और जी एजियोट्रॉप्स आपके दो तरह के बनते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। अब इनकी कंडीशंस देख लेंगे कि कब आपके पास मिनिमम बॉइलिंग बनते हैं और कब मैक्सिमम बनता है। मेरे को बताओ, सबको पता है? हाय, हाउ आर यू निलोफा, बताओ सबको पता है कब बनते हैं आपके पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और कब बनते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स? इसमें ना एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता रही हूं। देखो मिनिमम बॉइलिंग के लिए याद रख लेना, अब इसको पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरे को कैसे भी आप सॉल्यूशंस फिनिश कराना है सो दैट आपका कल सॉलिड स्टेट स्टार्ट हो पाए। देखो अगर आप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बात करते हो तो यहां पर वो वाले बनाते हैं जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं। इसमें आप एग्जांपल लर्न करोगे 95% इथेनॉल, ठीक है, किसका 95% इथेनॉल, मतलब बाकी का 5% भाई वाटर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर इस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल करने लगता है। हालांकि वाटर का अलग से देखो तो 373 केल्विन है, इथेनॉल का अलग से देखे तो अराउंड 353 रहता है, लेकिन आप जब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर प्रिपेयर करते हो तो और कम पर आपका ये दोनों ही मिक्सचर्स बॉइल करने लगते हैं। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कब बनते हैं, जब आपका नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा होता है फ्रॉम द लाउड्स लॉ, जो हम कल ही समझ कर आए पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। तो इसके लिए प्लीज ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, डायरेक्टली आपसे एग्जाम्पल पूछ लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 68% नाइट्रिक एसिड जो है, बस 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन याद रख लो तो ये 32 तो ऑटोमेटिक है, है ना। हाँ, मिनिमम पॉजिटिव डेविएशन मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन, दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू रिमेंबर। उसके बाद मिनिमम बॉइलिंग और मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और यहां से बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि सॉल्यूशंस की अगर बात हो और वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा बहुत रेयर होता है। यहां से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और बहुत क्विकली हम इसको फिनिश करेंगे, देन कल आपका सॉल्यूशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएंगे। और सॉल्यूशंस के एक्चुअली काफी क्वेश्चन है तो दो सेशन लगेंगे, ठीक है। स्पेशल क्लास में, स्पेशल क्लास में लिंक मैं आप लोग को आज सेंड कर दूंगी, तो स्पेशल क्लास में कल हम ये डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो 22 वाले एस्पायरेंट्स जो 21 वाले एस्पायरेंट्स जो एक्चुअली 22 के डाउट सेशन में आए थे और पूछ रहे थे, तो आज आना अभी कल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कल वाला दिन है। देखो सबसे पहले हमें सब पता होना चाहिए यार ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी वो प्रॉपर्टीज जिनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब ये एंटायरली डिपेंड करती है कि आपने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिया है, बाकी इनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब आपने कैसा सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट का नेचर क्या है, कितने, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको किससे फर्क पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। कहने का मतलब कि आपका अमाउंट आपने कितना लिया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर ये एंटायरली डिपेंड करता है। किसके ऊपर? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स एंटायरली ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इतनी बात सबको समझ में आई? इसके ऊपर यार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है प्लीज, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, या फिर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, या फिर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। सो योर आंसर हैज टू बी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बहुत सारे एप्लीकेशंस बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका है ये डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास वाला, जिसमें कि आपके पास जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहा जाता है? देखो एक बात तो मैंने आपको ऑलरेडी कल समझा दी थी कि जी अगर आपके पास कुछ ऐसा सीन है कि यहां पर एक कंटेनर, ठीक है, ये एक कंटेनर है ऐसे, जी ये लो बना दिया हमने कंटेनर, एक और बना लो इसके साइड में, यहां कॉपी पेस्ट होता ना तो अच्छा लगता मेरे को, ठीक है, चलो एक और बना लिया हमने इसके साइड में। अभी यहां पर क्या करेंगे हम, पहले वाले जो पहला वाला कंटेनर, इसमें सिंपल मैं वाटर के अलावा कुछ भी नहीं डाल रही हूं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ वाटर है, सिर्फ वाटर है, तो सिर्फ वाटर की ही वेपर्स बनेंगी। और यहां पर मेरे पास जो आपका वेपर प्रेशर निकल कर आएगा दैट विल बी फॉर द प्योर सॉल्वेंट विच इज पी नॉट डब्ल्यू, इस बात से सब एग्री करेंगे, या फिर इसको मैं पी नॉट एस भी लिख सकती हूँ, एस एस मतलब, हाँ एस मतलब क्या, सॉल्वेंट, ठीक है, एस मतलब सॉल्वेंट, यहां पर पी नॉट एस।
अब उसके बाद यहां पर मैंने दूसरा सोल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है दूसरे कंटेनर में। प्लीज ध्यान से सुनेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके ये चैप्टर का स्टार्ट हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनेंगे, इसका फॉर्मूला भी अब रटने जैसा फील होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत आसानी से बस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये छोटा सा नाम याद रखो और इसी से तुम्हारा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दूसरा कंटेनर मैंने लिया है, दूसरे कंटेनर में अब मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, सब रेडी हो जाओ, ध्यान से सुनना। दूसरे कंटेनर में तुम्हारे पास वाटर है और उसके बाद इसके अंदर व्हाइट कलर का चीनी डाल दें, मतलब ग्लूकोज डाल दिया, मान लो जी हमने क्या कर दिया, ग्लूकोज डाल दिया। अब यार ग्लूकोज तो, ग्लूकोज का तो वेपर नहीं बनता, ग्लूकोज कैसा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, इट इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया हो कि जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे तो क्या होगा कि आपका जो सरफेस है, सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल्स तो है लेकिन साथ साथ ये शुगर भी आ गया। इधर वाले में देखो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल थे और जो मॉलिक्यूल सरफेस पर रहते हैं वही वेपर में जाते हैं। अब यहां पर आपके पास सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल होने के साथ साथ ये शुगर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो होगा क्या, वेपर्स कम बनेंगी। तो यहां पर आपकी वेपर तो अभी भी किसकी वजह से होगी, सॉल्वेंट की वजह से होगी, लेकिन ओवरऑल वेपर आपकी कम बनेंगी तो आपका यहां पर जो पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर निकल कर आएगा वो इससे तो कम ही आएगा, है ना, ये आपका कम आएगा। तो यानी कि आपका देयर इज अ लोअरिंग, लोअर हो रहा है ना वेपर प्रेशर हमारा, कम हो रहा है भाई, कम होगा ना, वेपर ही कम बन रही है तो प्रेशर तो कम बनेगा ही, वेपर्स जितनी है उनकी वजह से उतना प्रेशर बनता है, तो वेपर कम हो गई तो प्रेशर भी कम होगा। तो आपका ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, ठीक है, चेंज, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज, तो कितना चेंज हुआ, कितना कम हुआ, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि पी नॉट सॉल्वेंट, जितना सॉल्वेंट का था माइनस द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि ये छोटा है तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन। अब आप क्या कहते हो, रिलेटिव लोअरिंग, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके आगे क्या लगा हुआ है, रिलेटिव, तो रिलेटिव मतलब, रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, है ना, रिलेटिव मतलब क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर देखो मैंने एग्जैक्टली वैसे ही किया हुआ है, एग्जैक्टली वही है कि पी नॉट मतलब जो आपका प्योर सॉल्वेंट का है, ठीक है, माइनस ये जो आपका सॉल्यूशन का निकल कर आया, डिवाइडेड बाय रिलेटिव, किसके रिस्पेक्ट में, जो आपका प्योर है उसके रिस्पेक्ट में, तो डिवाइड कर दो और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। यानी कि ये देखो यहां पर यह आया तुम्हारे पास रिलेटिव, क्योंकि अब हमें रिलेटिव लोअरिंग पढ़ना है, तो रिलेटिव लोअरिंग के लिए आप इसको डिवाइड कर देंगे अगेन पी नॉट से, पी नॉट एस से, तो आपके पास ये आ गया पी नॉट एस, है ना, तो रिलेटिव किसके रिस्पेक्ट में, जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, ऐसा देखा गया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर ये आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट निकल कर आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उस क्या बोलते हैं के क्या बोल, यहां पर आपके पास जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां तक क्लियर है, यहां तक सब लोगों को क्लियर है, जल्दी से बता देंगे, एक सेकेंड मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ही लिखती हूं, यहां तक क्लियर है ना, जल्दी से बताइए, यहां तक सब लोगों को क्लियर है, हमारे पास कुल मिलाकर यहां तक आ चुका है P सॉल्यूशन इज इक्वल टू बाय P नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, टू मतलब जी अगर मैं इसको वन लिख दूं, इसको भी वन लिख देती हूं, वन हमारा सॉल्वेंट है, वन में किसको कहती हूं, सॉल्वेंट को, और टू में किसको कहती हूं, सॉल्यूट को कहती हूं। तो अब ये तो सबको पता है एक्स टू कैसे लिख सकते हो, एन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन टू प्लस एन वन। फिर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, तो अगर मैं टू का कहूं यानी सॉल्यूट का कहूं तो गिवन मास उसका और मोलर मास भी आपका सॉल्यूट का, ठीक है। हाँ जी पूछिए पूछिए ऋषित, जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हो, है ना, आरडीएक्स जोन, ओके जी आगे बढ़ रहे हैं हम, क्लियर है, परफेक्ट। तो यहां तक अगर क्लियर है सेशन को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, है ना जी, आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये वाली बात क्लियर हुई, तो ओवरऑल मैं दिखा देती हूं आपके पास जो है, है ना, आपके पास जो है इस तरीके से ये लिखकर आ जाएगा, राइट है। अब यहां देखो इसको, तुम्हारे पास ये आ गया x2 की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये तो बहुत, दिस इज वेरी बेसिक कि आपने मोल फ्रैक्शन को इस तरह से एक्सपैंड कर दिया, यही तो होता है मोल फ्रैक्शन। अब तुम्हें पता है एक्चुअली क्या करते हैं ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सारी ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई एक नहीं, ये वैलिड होती है आपकी डायल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। तो जब आप डायल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हो, डायल्यूट का मतलब क्या हुआ कि उसमें डायल्यूट मतलब सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब सॉल्यूट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। तो यहां पर
इसका मतलब N1 मेरा काफी ज्यादा रहा होगा N2 के कंपैरिजन में, क्योंकि N1 इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट. फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन देयर विल बी द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट और द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट विल बी मच मोर. दैट इज व्हाई व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट योर N1 मस्ट बी वेरी वेरी मच ग्रेटर देन योर N2, है ना. तो क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर से आप N2 को इग्नोर कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए. तो यहां पर आपके पास N2 बाय N1 बचेगा. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन यू विल एंड अप विद. ठीक है, अब आप इसको यहां पर N2 को देखो, इन्होंने एक्सपैंड कर दिया है इसका गिवन मास बाय मोलर मास के टर्म्स में. N1 को इन्होंने एक्सपैंड कर दिया है गिवन मास बाय मोलर मास के टर्म्स में, W1 बाय M1. ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे मोलर मास फाइंड आउट करा लेते हैं. मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, मोस्टली सॉल्यूट का फाइंड आउट कराते हैं. बाकी देखो आपको ये आपके पास एक पूरा का पूरा फॉर्मूला आ ही गया है ना. दिस इज द होल एक्सप्रेशन यू हैव फॉर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो अब आपसे चाहे रिलेटिव लोअरिंग पूछ लें, यानी कि चाहे वो आपसे डेल्टा पी कैलकुलेट करवा लें, या फिर वो आपसे क्या कैलकुलेट करा ले, मोलर मास कैलकुलेट करा ले, अगर उन्होंने बाकी के पैरामीटर्स दिए हैं तो आप इजीली कर सकते हो, है ना. कर सकते हो ना क्वेश्चन, मुझे बताओ फटाफट से, जल्दी से बताएंगे, सब कर सकते हैं. उसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, है ना. यहां तक अगर इससे क्वेश्चन आ जाए सब लोग कर लोगे ना, और वैसे अभी पता चल जाएगा तुम लोग करोगे कि नहीं करोगे कल स्पेशल क्लास में. ठीक है, कल, क्योंकि मैं इसके प्रीवियस या क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी. तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है मुझे प्लीज बताइए फटाफट, ये वाली बात जो लिखी हुई है ये सबको क्लियर है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन आता है. ठीक है, जल्दी से बताइए यहां तक क्लियर है, आगे चलें. सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है वो कौन सी आती है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना. यस, ठीक है, चलो. फिर अभी कहीं भी आपको डाउट आता है कल स्पेशल क्लास में भी पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. हेलो द्वारका देश, हाय. ठीक है, ठीक है, चलो, ओके. नाउ यू आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है यार, एक बात बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कह सकते हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर. ठीक है, इनवर्सली तो नीचे लिखेंगे, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बात सबको पता है, या फिर मैं समझाऊं इसको कि कैसे होता है. बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए आपका बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जहां पर हमारा जो वेपर प्रेशर है दैट बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर. उसी पॉइंट को आप क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो. यानी कि अगर मान लीजिए मैंने यहां पर इस तरीके से कोई भी एक मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स लिया था और यहां पर उसकी वेपर बनी, वेपर बनने की वजह से अगर मेरा जो वेपर प्रेशर है भाई, इस लिक्विड की जो वेपर बनी होंगी उसका प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर बोलते हैं. मान लीजिए 0.6 एटमॉस्फेयर है और मैंने बाहर से जो प्रेशर अप्लाई किया हुआ है विच इज पी एक्सटर्नल, वो मेरा कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है. तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट पता है क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि अभी मेरे को वेपर प्रेशर को 0.6 से 1 एटमॉस्फेयर बनाना है. तो हवा में अपने आप तो नहीं होगा, कोई जादू तो नहीं होने वाला, कैसे होगा, टेम्परेचर आप प्रोवाइड करोगे. तो कौन सा वो टेम्परेचर होगा जहां पर द टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर होगा जहां पर मेरा वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके, पी एक्सटर्नल के, राइट है. तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि देखिए अगर लेट मी से मैं यहां पर हीट कर रही हूं इसको, जो भी है ये, ठीक है, मैंने इसको हीट किया. तो हीट करने पर मैं बोलती हूँ कि मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पर ये 0.6 एटमॉस्फेयर आपका कितना कन्वर्ट हो गया, 1 एटमॉस्फेयर में. तो यही चाहिए था, 1 एटमॉस्फेयर हो गया, वेपर प्रेशर इक्वल टू द एक्सटर्नल. तो मेरा ये जो कहलाएगा, दिस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट. अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ, क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, लेट मी सी आप में से कौन बता पाता है. अगर यहाँ पर वेपर प्रेशर 0.6 एटमॉस्फेयर है, या फिर यहाँ वेपर प्रेशर अगर मान लो 0.4 एटमॉस्फेयर होता, 0.4 के लिए ज्यादा टेम्परेचर लगता, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता या कम होता, फटाफट से बता दो. पॉइंट, अभी तो देखो 0.6 एटमॉस्फेयर का केस मैंने बता दिया, अगर वेपर प्रेशर और कम होता, 0.6 एटमॉस्फेयर होता, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लगता या कम लगता, कौन बता रहा है, जल्दी से बताएंगे. एटॉमिक स्ट्रक्चर का नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का तो हो चुका है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं ले चुकी हूँ PYQ. अच्छा प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, फिर तो पक्का ले लेंगे. प्रॉब्लम आ रही है कल आना सॉल्यूशंस वाली क्लास में, मुझे बताना कहाँ प्रॉब्लम है. हाँ तो बताओ तो, ज्यादा, एग्जैक्टली, परफेक्ट, ज्यादा टेम्परेचर लगेगा. या 0.6 को 1 एटमॉस्फेयर में ले जाने में तुम्हें 50 डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा है, तो 0.4 तो और कम हो
हो गया, अब और कम से तुम्हें ये 1 atmosphere तक पहुंचना है तो और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। हो सकता है इसके लिए 50 लग रहा है तो इसके लिए 60 degrees Celsius लग जाए या और ज्यादा 70-80 कुछ भी लग सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। यानी अगर वेपर प्रेशर हमारा कम होगा, वेपर प्रेशर मेरा कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा लगेगा। देखो कम वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। अब अगर आपको ये वाली बात समझ में आई तो जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है विच इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये खुद ब खुद आपको समझ आ जानी चाहिए थी, क्योंकि अब भी हम जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़कर आए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो क्या होता है, आपका वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना, वेपर प्रेशर कम हो रहा था। तो यार वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होगा, उसी से आपकी ये बात निकल कर आई है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइट है। तो यहां पर मान लीजिए आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट देखो हमने ये इस वाले टेम्परेचर से स्टार्ट किया और हम क्या कर रहे हैं यहां पर ये डायग्राम देखेंगे, इस वाले टेम्परेचर या इस टेम्परेचर से हमने स्टार्ट किया तो इसका वेपर प्रेशर कुछ इतना रहा, वेपर प्रेशर इसका कुछ इतना रहा, तो हम यहां तक गए, यहां तक गए और इधर ये 1 atmosphere के इक्वल हो गए, जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हमें करना था। वेपर प्रेशर को मान लो ये 0.6 था तो मेरे को कितना करना था एक्सटर्नल के इक्वल, तो ये बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का आ गया। प्योर सॉल्वेंट का कितना है टी नॉट बी। अभी आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में तुमने क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट डालने की वजह से अब इसका जो प्रेशर है, प्रेशर कम हो गया। देखो इसका प्रेशर इतना था, वेपर प्रेशर इतना था और सॉल्यूट डालने के बाद जो आपका ये सॉल्यूशन बना है उसका वेपर प्रेशर कम, तो वेपर प्रेशर कम दिख रहा है ना सबको कि वेपर प्रेशर कम हो चुका है। तो यार कम वेपर प्रेशर को ज्यादा दूर तक, ज्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा ना, तब वो उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अभी तो तुमने देखा बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। तो यहां पर कितना डिफरेंस तुम्हारा वो निकल कर आया, देखो पहले टी नॉट बी था, ध्यान से देखेंगे टी नॉट बी था, लेकिन सॉल्यूशन कितने पर बॉइल कर रहा है, टी बी पर बॉइल कर रहा है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर दी सॉल्यूशन। तो बढ़ गया ना, यहां से इधर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कितना बढ़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये आपको यहां से मिलता है दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू टी नॉट बी माइनस टी बी। यानी कि प्योर सॉल्वेंट का कितना बॉइलिंग पॉइंट है माइनस प्योर माइनस आपका पूरे सॉल्यूशन का कितना बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनती है वो क्या बनती है, देख लो, देखो यहां पर आपका जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ध्यान से देखेंगे प्लीज, यहां पर आपका जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी वॉज इक्वल टू टीबी नॉट माइनस टीबी, इसके इक्वल था ना टीबी टीबी टीबी, ऐसा लग रहा है ट्यूबरक्यूलोसिस है ना, टीबी बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डायरेक्टली, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो आप साइंटिस्ट ने क्या मतलब जिसने भी इसको किया होगा डिस्कवर, उसको इसको किसी ना किसी रिलेट करना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका, जैसे अभी पहले हमने मोल फ्रैक्शन लिया, अब यहां पर आपने क्या लिया, मोलालिटी लिया, क्योंकि हमें पता है मोलालिटी, अगर मैं बाकी कोई और कॉन्सेंट्रेशन टर्म लूंगी, फॉर एग्जाम्पल मोलारिटी लेती अगर मैं, तो मोलारिटी आपकी टेम्परेचर के साथ होती है चेंज, लेकिन मोलालिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। तो यहां पर हमने जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिया दैट इज मोलालिटी। अब ये हो गया, अब प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हटेगा, ये मतलब साइन हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, उस कॉन्स्टेंट को क्या कहते हैं, के बी। के बी इज योर एलिवेशन कॉन्स्टेंट या मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट या इबलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है। और भाई यहां से इसका जो यूनिट है ना, इसके ऊपर एक 4 mark का क्वेश्चन दे देते हैं, और देखो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको लगना चाहिए कि हाँ यार मजा आ गया, क्योंकि मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, फिजिकल में अगर आपका ऐसे डायरेक्ट एक्सप्रेशन पर फॉर्मूला क्वेश्चन आ जाता है, यूनिट पर क्वेश्चन आ जाता है, फिर तो मतलब आप ये सोचिए कि 100% आना ही चाहिए, क्योंकि वहां कोई कैलकुलेशन नहीं करनी तो सिली मिस्टेक का कोई चांस नहीं है, है ना। तो देखो कितना आसान होता है इसकी यूनिट, मैं बताती हूँ इसकी यूनिट को ध्यान कैसे रखना है। बट बिफोर दैट आई होप आपने यहां तक की बात समझिए कि जो आपका ये डेल्टा टीबी होता है दैट इज इक्वल टू के बी एम, ठीक है, के बी एम। अब मैं यहां पर बोल रही थी इसको आप क्या बोलते हो, एलिवेशन कॉन्स्टेंट बोलते हो या फिर इबलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट बोलते हो। अब ये जो के बी होता है ना, इसकी यूनिट की हमें बात करनी है ना, जो आपका के बी होता है उसकी यूनिट की हमें बात करनी है, सो दैट विल बी डेल्टा टी बी बाय एम। डेल्टा टी बी, टी बी मतलब टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट कुछ ना कुछ क्या रही होगी, केल्विन रही होगी या डिग्री सेल्सियस रही होगी, चलो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड ले लेते हैं विच इज केल्विन।
मोलालिटी, मोलालिटी की क्या क्या यूनिट होता है मुझे बताओ, मोलालिटी होता क्या? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल्स डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन केजी में, सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी आई टेक इट बैक, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में, है ना। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स तो मोल्स हो गए, और फिर केजी यानी कि पर केजी, तो यहां पर आप सिंपल यही लिख लो, मोल पर केजी, ठीक है, ये आपकी मोलालिटी की यूनिट हुई। तो यहां से बताओ केबी का यूनिट क्या निकल कर आएगा, केबी का यूनिट आएगा केल्विन केजी पर मोल, बस सिंपल है, कितना सिंपल था। देखो तुमसे केबी की यूनिट पे चार नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अब बताओ सब लोग कर देंगे, फोर मार्क का क्वेश्चन कल भी पूछ लूं अगर मैं, कल की स्पेशल क्लास में सब लोग कर दोगे ना, जल्दी से बता दो कर दोगे, और इसी बात पर लाइक हो जाए, स्लिप ऑफ टांग, हाँ वो फ्लो फ्लो में हो जाता है, राहुल का भी, राहुल लॉ में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आ जाना कल स्पेशल क्लास में, मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो ये होती है आपकी यूनिट किसकी, परफेक्ट है, आगे चलें तो देखो यहां से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और आसानी से आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, आई होप ये सबको समझ में आ रहा है, जो फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है आपके पास, मैंने देखो बता दिया कि कैसे आप आसानी से समझ सकते हो केबी का यूनिट क्या है, फोर मार्क क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। उसके बाद मैं आपको ये बता चुकी हूं कि इतना फॉर्मूला हम सबको क्लियर है, लेकिन मोलालिटी क्या होता है, मोलालिटी जस्ट अभी अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हो, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, तो इन्होंने डब्ल्यू बी एम बी वाई लिखा है, मास और ये गिवन मास मोलर मास सॉल्यूट का, और डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है, ए है, इधर आवर सॉल्वेंट इज ए और ये अंडरस्टूड है, ठीक है, और आपका जो सॉल्यूट है दैट इज बी, और क्योंकि इन्होंने इसको ग्राम्स में लिया होगा तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया। जब आप ग्राम में लेते हो सॉल्वेंट का मास या वेट, तो आप क्या करते हो, इधर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, ये बात सबको क्लियर है। समीम जी बताओ, कांक्षा, कांक्षा भी है कोई हमारे साथ, बताओ भाई, समीम अख्तर क्या, कहां पर कंफ्यूजन है मेरे को, मैम आप तो हमारी बात नहीं सुन रही, मैम आप तो हमारी बात नहीं सुन रही, इसके अलावा तो मुझे कुछ लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा। समीम मैम फिर से बोलो, अच्छा मैम, अरे 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 समीम देखो ऐसे ना फिर क्या होता है, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, अगर काफी सारे लोगों को समझ नहीं आता तो मैं रिपीट कर देती हूँ, लेकिन अगर किसी एक या दो को नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि उनको हम नहीं बताएंगे, पक्का बताएंगे, लेकिन स्पेशल क्लास में, ठीक है। यहाँ पर फ्लो फिर ब्रेक हो जाता है, आप थोड़ा आई होप प्लीज आप इसको समझें, है ना, अदरवाइज बाकी लोग का टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सबको सब समझ में नहीं आता है ना, किसी को किसी टॉपिक में थोड़ा टाइम लगता है, किसी को दूसरे टॉपिक में टाइम लगता है, कोई बात नहीं, एब्सोल्युटली ओके, लेकिन स्पेशल क्लास में अपना डाउट सेव रखिए, स्पेशल क्लास में, थैंक यू। चलो उसके बाद क्या होता है ना यार, ये थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला लगेगा लगेगा यार क्या बता रहे हो मैम, लेकिन सुनो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक्चुअली मैं यहां से तुम्हें एक बात बताऊंगी, केएफ और वो वाली बात ना आपकी आएगी कहां पर, जब हम ये और पढ़ लेंगे दूसरा वाला प्रॉपर्टी विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसमें हम पता है ये वाला मैं बता रही हूं कहां काम आएगा। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि केएफ की वैल्यू और केबी की जो वैल्यू है इनमें से कौन बड़ा होगा, केएफ और केबी में से कौन बड़ा होगा या दोनों इक्वल होंगे, तो वो एक्चुअली आपका यहां से पता चलता है, कुछ नहीं है इसको रटना वटना कुछ मत, बस मैं ऐसे ही बता रही हूं, ये आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है कि आपका जो केबी होता है ना, और एम्स वगैरह में अगर आप मतलब इस तरह से अलग से एग्जाम आता है आपका, ठीक है, और अभी भी नीट में भी चांस है कि पूछ लें आपसे केबी फाइंड आउट करवा लें, तो घबराना मत, देखो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट होता है, टी भी लिखा है तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और ये जो एल देखकर तुम्हें अजीब सा लग रहा है ना, एल कुछ नहीं, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दिस इज द लेटेंट, हाय डॉक्टर सानिया, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पर एल भी होता है, डोंट वरी आपका क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट पार आ जाओ आप, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यार बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका बढ़ा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका इंक्रीज हुआ है तो डेफिनेट सी बात है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब आपका बेसिकली जो देखो मैं इधर से बताती हूँ, डायग्राम अगर बना हुआ है, डायग्राम तो ऐसे ही है, फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली जहां पर सॉलिड और जो आपका लिक्विड है दोनों का आपका क्या बोलते हैं प्रेशर सेम हो जाए, ठीक है, तो वो वाला स्टेट पर आपका क्या जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, क्या जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। देखो मैं इसको बताऊंगी, अब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, आप ऐसे ध्यान रखिए कि जब आपने क्या किया, एक सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट के अंदर, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ, वेपर प्रेशर हमारा कम हो गया, उसका रीजन बताया।
अगर वेपर प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा कि बढ़ गया, अब बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया लेकिन आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली क्या है कि आप मान लो वाटर और आइस का केस लो, तो आप क्या कर रहे हो, लिक्विड से, यहां पर एक सेकेंड रुकेंगे, इसका मतलब हम लिक्विड से कहां जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट में जा रहे हैं, है ना। लिक्विड और सॉलिड स्टेट की बात यहां पर आपको करनी पड़ेगी, लिक्विड और सॉलिड स्टेट की बात यहां पर आपको करनी पड़ेगी। तो देखो होता क्या, ये यहां पर सबको ये वाला डायग्राम दिख रहा है ना, ये वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर आपका यहां पर लिया हुआ और यहां आपका टेम्परेचर है। तो मान लो जी आपका जो वेपर प्रेशर है सॉलिड का वो इस तरीके से, जैसे जैसे आपका यहां पर ये जो सॉलिड फेज है, तो सॉलिड फेज का ये वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना, राइट है। इसी तरीके से आपका जो सॉल्यूशन है, आप मान लो पहले तो आपके पास प्योर सॉल्वेंट था, तो जब आपका प्योर सॉल्वेंट इस तरीके से टेम्परेचर आप कम करोगे, यहां ना उल्टा देखना है, आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। ये आपके पास ग्राफ है, इधर वेपर प्रेशर है, इधर आपके पास टेम्परेचर है। पहले जो आपका सॉलिड है, सॉलिड का टेम्परेचर, और भाई टेम्परेचर कम के साथ देखना है ना हमें, तो टेम्परेचर कम हो रहा है इस तरीके से, ये तो आपका सॉलिड फेज आ गया। अब वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में मैं ऑलरेडी रिलेशन बता चुकी हूँ, इनवर्स होता है। उसके बाद अब मान लो आपके पास प्योर सॉल्वेंट आ रहा है, प्योर, तो ये अगर आपका कर्व है उसके लिए, सॉलिड के लिए, तो अगर आपका जो सॉल्वेंट आ रहा है तो सॉल्वेंट भी इसी तरीके से, उसका भी जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। इतनी बात सबको पता है कि टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यार एक बात बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर में बढ़ा दूंगी तो वेपर भी तो ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ये जो वाटर है इसको मैं बॉइल करने लग जाऊं, बहुत सारी वेपर बन जाएंगी ना, बहुत सारी वेपर बन जाएंगी, बहुत सारी वेपर, बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर। अब वही मैं उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब टेम्परेचर कम कर दूं, टेम्परेचर कम कर दूं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तभी मैंने कहा कि ये जो लिक्विड है, लिक्विड के केस में भाई अगर तुम टेम्परेचर कम कर दोगे तो वेपर कम बनने लगेंगी। तो ऐसे चले अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, देखो इधर से इधर जा रही हूं, टेम्परेचर कम हो रहा है ना, तो यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, इधर ध्यान से देखेंगे कि आप जब इधर से इधर जा रहे हो तो आपका ये कम होता जा रहा है, जो आपका वेपर प्रेशर है लिक्विड का, प्योर लिक्विड, यहां पर इसको ना प्योर सॉल्वेंट लिखो, लिक्विड नहीं, हाँ लिक्विड लिख देते हैं, सॉलिड है लिक्विड है। अब जो सॉलिड है, सॉलिड का तो यार टेम्परेचर कम करोगे और बहुत ज्यादा क्विक डिप्रेशन आएगा, ठीक है। एक तो उसकी पहली कम वेपर बनती है, ऊपर से तुमने टेम्परेचर भी कम कर दिया। अब लेकिन जब आप, तो यहां पर आप मान लीजिए इतना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट आया, जब ये दोनों का आपका वेपर प्रेशर इक्वल हो गया, ठीक है, तो वहां पर आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट आता है, दिस इज टीएफ, प्योर सॉल्वेंट टीएफ नॉट के केस में जो आया। अब तुमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया। अब सॉल्यूशन के केस में तो आपका वेपर प्रेशर और कम हो चुका है, वेपर प्रेशर कम हो चुका है, तो अगर इसकी स्टार्टिंग प्योर सॉल्वेंट की यहां से हुई तो सॉल्यूशन की कहीं यहां से होगी और कम पर, तो अब ये जब आपकी इस वाली लाइन को मीट करेगा तो और कम टेम्परेचर पर करेगा, तो यानी कि आपका ये टेम्परेचर कम हो गया जो आपका सॉल्यूशन का आया टीएफ। तो अब ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस को क्या बोला जाएगा, डेल्टा टीएफ, कितना आपका चेंज हुआ है इन द फ्रीज, इन द टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में। अब यहां पर आप देख रहे हो टीएफ नॉट से कम आया ना आपका टीएफ, तो डिप्रेशन हुआ है, डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में, इसी बात को हम यहां पर बोलते हैं। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि यहां पर देयर हैज बीन अ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड बस ये वाली बात ध्यान रखो। अगेन सेम टू सेम, ये भी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, और के एफ की यूनिट आपसे पूछ लेते हैं, और यहां पर भी हमने सेम टू सेम किया है, मोलालिटी को कर दिया एक्सपैंड और कुछ नहीं, मोलालिटी को कर दो एक्सपैंड, के एफ को जैसे उसको क्या बोलते थे, एलिवेशन कॉन्स्टेंट, तो इसको क्या बोलोगे, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। सो दिस इज डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, या फिर इसको मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, और कहीं कहीं क्रायोस्कोपिक भी बोलते हैं, जैसे वो इबलियोस्कोपिक था, ये क्रायोस्कोपिक भी होता है। और इसकी यूनिट मुझे कौन बता रहा है, फटाफट से मुझे कौन बता रहा है, हु इज गोइंग टू टेल मी वॉट विल बी द यूनिट ऑफ के एफ, हु इज गोइंग टू टेल मी वॉट विल बी द यूनिट ऑफ के एफ, अभी जल्दी से बताएंगे, आई विल अनाउंस द नेम, जो भी मुझे सबसे पहले बताएगा वॉट विल बी द यूनिट ऑफ के एफ, के एफ का क्या यूनिट रहने वाला है, के एफ, ठीक है, यानी कि आपका ये जो क्या है, डिप्रेशन कांस्टेंट है, इसका क्या यूनिट रहने वाला है, क्विकली बता दो फटाफट, आसान सी बात है, अभी जिसने वो समझ लिया, क्या बोलते हैं आपका ये के बी का यूनिट, तो उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, अगर आपने वो समझ लिया है तो बिल्कुल वैसे ही है, इट इज वेरी वेरी मच सिमिलर टू दैट, है ना। कौन बता रहा है सबसे पहले, केल्विन, केल्विन, केल्विन होगा, केल्विन होगा, केल्विन मोल पर लीटर। मैम कोई सॉल्वेंट यदि बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाए,
नहीं करेगा, बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाए तो वेपर बहुत कम बनेगी उसकी, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर कम हो जाता है, मतलब कम वेपर बनती है टेम्परेचर कम होने के साथ। अरे देखो या बिल्कुल सेम तो है, टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, मोलालिटी टी एफ बाय एम हो जाएगा मेरा के एफ, और ऐसे भी फाइंड आउट करने के लिए दे सकते हैं। तो आपका जो के एफ है टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, मोलारिटी का मोल पर केजी है ना, तो इसको ऊपर लेकर जाओ, केल्विन केजी पर मोल, सिंपल। इसमें तुम्हें क्या सोचना था, सेम टू सेम तो हुआ। हाँ वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड मुस्कान ने दिया एब्सोल्युटली राइट आंसर, तो इसका भी वही होगा जो केबी का होता है। फिर देखो सेम बात यहाँ पर आ जाती है, इसी तरीके से केएफ के लिए भी ये वाला फॉर्मूला आता है, बस यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जगह ऑब्वियसली बात है आप फ्रीजिंग करा रहे हो तो फ्यूजन आ जाएगा। और यहाँ से दूसरी बात निकल कर आती है जो एक्चुअली मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाह रही थी, वो कि अगर आपसे एग्जामिनर रिलेशन पूछ ले केएफ और केबी के बीच में, तो हमेशा ध्यान रखना केएफ बड़ा होता है केबी से, ठीक है, केएफ बड़ा होता है केबी से, क्योंकि जो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है दैट इज ग्रेटर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये वाले जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, इसमें एग्जामिनर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। आपको फोर ऑप्शंस गिवन होंगे कि केएफ इज ग्रेटर देन केबी, केएफ इज लेस देन केबी, या फिर केएफ इज इक्वल टू केबी, और वॉट एवर नन ऑफ दीज या कांट से। तो आपको यहां पर रुकना था कि केएफ इज ग्रेटर देन केबी, ऐसा क्यों, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपने देख ही लिया ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे, आर टी स्क्वायर बाय एल, एल मतलब आपका लेटेंट हीट, इधर थाउजेंड से और इन्होंने किया हुआ था डिवाइड, तो लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट आपका जितना ज्यादा होगा उतना केएफ का वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर आप इसके केबी के केस में तो वेपराइजेशन आता है, तो इसकी एलवी की वैल्यू ज्यादा होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो केबी कम हो जाएगा। सो यहां से प्लीज ध्यान रखेंगे कि केएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन केबी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये थोड़ी अच्छी भी है, ये बाकी से अलग है, यानी कि क्या बोलते हैं, बाकी सब में तो सेम एक्सप्लेनेशन चलता है, तुमने सॉल्यूट ऐड कर दिया वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और अगर वेपर प्रेशर कम हो गया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो जी फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सब इंटर रिलेटेड है। यहां पर आपके पास एक अलग सा टर्म जो आता है दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे, इसी की ये हमारा लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, है ना, ये हमारा लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है, और उसके बाद हम समझेंगे व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोसिस का मतलब होता है यार, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी चीज हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो करना पसंद करेगी, है ना, तो उसी को आप क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी कि जब आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड से लेस कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाते हैं तो उसको आप क्या कहते हो, ऑस्मोसिस कहते हो। इसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल यहां पर बनाकर दिखाने वाली हूं, तो आप कुछ ऐसा एक अज्यूम कर लीजिए आपके पास सिस्टम है, और इससे ना आपको ये समझ में आ जाएगा जो आपके घर में आरओ सिस्टम लगे होते हैं ना वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, वो एक्चुअली किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली किस तरीके से आपका वर्क करते हैं जितने हमारे पास ये आरओ सिस्टम्स होते हैं। तो देखो हमारे पास क्या होता है, यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल क्या होता है, सेमी परमिएबल मुझे बताएगा कोई, व्हाट इज सेमी परमिएबल, तो यहां पर क्या होता है बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा होता है। इस साइड अज्यूम कर लो कि आपके पास जो है ना प्योर, बिल्कुल प्योर वाटर है, उस वाटर में कुछ गड़बड़ नहीं है, एकदम प्योर है, 100% प्योर वाटर। सो हियर दिस साइड वी हैव प्योर वाटर, बस वाटर है और कुछ नहीं, ठीक है। इधर हमारे पास जो है इम्प्योर वाटर है, क्या है, इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर है मतलब कि अभी लेट अस से तुमने सी वाटर ले लिया, तो वाटर के साथ इसमें सॉल्ट भी हो जाएगा, NaCl प्लस वाटर है मान लीजिए हमारे पास दूसरे वाले कंटेनर में, ठीक है, ये प्योर वाटर है और यहां पर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, और इधर क्या है, इम्प्योर वाटर है। हाँ आप देखिए यहां पर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अगर तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कैसा होता है, जैसे छलनी होती है ना, छलनी आप घर में भी यूज करते हो, तो मतलब कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो सबको नहीं जाने देगी, वो केवल कुछ पार्टिकल्स के लिए परमिएबल है, केवल कुछ पार्टिकल्स को अपने से बाहर जाने का अलाउ करेगी, यानी कि ये जो मेरी ग्रीन ग्रीन, ये जो तुम्हें बीच में मेम्ब्रेन लगी हुई दिख रही है, ये केवल कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करेगी इधर या उधर जाने के लिए, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब होता क्या है, अब यहां पर देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मुझे बताओ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को भेजना पसंद करेगा या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को भेजना पसंद करेगा, जैसे क्या बोलते हैं,
आप शिकंजी बनाते हो, शिकंजी बनाते हो तो उसमें हम क्या लेमन वगैरह स्क्वीज करते हैं तो लेमन की सीड्स भी आ जाती हैं, तो उसको छलनी से जब आप फिल्टर करोगे, है ना, सबके घर में होती है, तो जी हमें नींबू के बीज तो किसी को नहीं खाने, वो क्या करेगा, सिर्फ आपका जो लिक्विड है उसको जाने देगा, जो आपके सीड्स हैं वो तो उसके अंदर ही रह जाएंगे, फिल्टर जो आपका मेम्ब्रेन आपने यूज किया उसके अंदर ही रह जाएंगे। तो ऐसे ही आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि जिसका साइज किसके बेसिस पर वर्क कर रहा है, साइज के बेसिस पर, तो जिसका साइज कम होगा, जिसका साइज कम होगा और विच इज यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, वो उसको जाने देगा। भाई नमक और पानी में ऑब्वियसली बात है वाटर के मॉलिक्यूल का साइज कम होगा तो वो केवल वाटर के मॉलिक्यूल को जाने देगा और सॉल्यूट को रिस्ट्रिक्ट कर लेगा, नहीं भेजेगा। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि वाटर जो है ना, वाटर आपका इधर से उधर फ्लो कर सकता है, तो इसका मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि वाटर इधर या इधर फ्लो कर सकता है। अब हमें ये समझना है कि वाटर इधर से इधर फ्लो करेगा या फिर इधर से इधर, मतलब इम्प्योर वाटर प्योर वाटर की तरफ आएगा या प्योर वाटर इम्प्योर की तरफ जाएगा। तो यार नेचुरली क्या होता है, नेचुरली आप देखते हो कोई भी चीज हाई से लो की तरफ जाती है। अब जब यहाँ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये चाहेगा ना कि एक तरह से इक्विलिब्रियम बन जाए, है ना, कोई भी चीज इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहती है, तो ये आपका वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इस साइड ज्यादा है क्योंकि इधर सिर्फ और सिर्फ वाटर है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, मतलब मोल फ्रैक्शन वाटर का एग्जैक्टली इक्वल टू 1 रहा होगा। यहाँ इम्प्योर वाटर है मतलब सारा का सारा वाटर तो नहीं है, सॉल्ट भी है, तो वाटर आपका इधर से इधर जाना चाहेगा, प्योर वाटर को किधर जाना है, इधर से इधर जाना है। तो यही जो आपका होता है ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। जब हमारा प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये कि व्हेन आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लोस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इधर क्या जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे, बट क्या तुम इसको इधर भेजना चाहते हो, क्या इसको इधर जाना चाहिए, यार प्योर चाहिए हमें तो वाटर, हमें क्यों चाहिए होगा इम्प्योर वाटर, नहीं हमें तो नहीं चाहिए। आरओ सिस्टम्स इसी बेसिस पर वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं, अब आप इस साइड, इस मतलब कि मेरे को प्योर वाटर चाहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये तो नेचुरली होगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो प्योर वाटर इम्प्योर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, लेकिन मेरे को इस नेचुरल प्रोसेस को होने से रोकना है क्योंकि मुझे अपना प्योर वाटर चाहिए, मुझे प्योर वाटर एक बार मिल गया तो उसको बस रोक कर रखना है, तो क्या होगा, मुझे इधर से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो मैं यहां से इस साइड से इम्प्योर वाटर की साइड से कितना प्रेशर लगाऊंगी कि मेरा ये वाला प्रोसेस रुक जाए, मतलब मेरे जो वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर फ्लो कर रहे हैं ना वो फ्लो करना बंद हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सो द ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन साइड सो एज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन और द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन साइड सो एज टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस, उसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया, जल्दी से बता देंगे, यहां तक सबको क्लियर है, ऑल क्लियर, और जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं सेशन को कर चुके हैं दबा के लाइक, है ना, चलो जी सेशन को फटाफट लाइक करेंगे, 100 लाइक्स तो बनते हैं, जल्दी जल्दी क्विकली सेशन को लाइक करेंगे, फटाफट जल्दी से सेशन को लाइक करिएगा। यहां तक सबको क्लियर है, फटाफट बताओ, हाई टू लो, परफेक्ट, हाई टू लो, बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाँ जी आज स्पेशल क्लास है काइनेटिक्स का, प्रीवियस ईयर 6 बजे, मैंने उसको ऑलरेडी शेड्यूल किया हुआ है ना, ओके। तो देखो अब आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो तो हमें पता चल गया, अब जो प्रेशर होता है, तुमने क्या बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है ना, क्या PV is equal to nRT होता है, तो देखो यहां पर जो हमारा P है वो आपका प्रेशर जो है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, तो पाई इज व्हाट, दिस इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उसके बाद पाई इज इक्वल टू क्या होता है, nRT बाय V, इसको मैं इधर ले जाऊं, अगर nRT by V हो गया, n by V क्या होता है, n by V number of moles by volume is what, कौन बता रहा है, concentration CRT, तो यहां से pi is equal to CRT, ये याद रखने का तरीका है, pi is equal to CRT से, अब यहां से आप osmotic pressure find out कर सकते हैं अगर आपको concentration और ये रेट गैस कॉन्स्टेंट और temperature given है। दूसरा आप यहां से मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, मोलर मास कैसे करोगे बताओ, अगर मान लीजिए क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स को लिखना आता है गिवन मास बाय मोलर मास पे, तो गिवन मास अगर गिवन है तो मोलर फाइंड आउट कर लो, सिंपल है ना, तो यहां से इसका भी एप्लीकेशन ये बन जाता है। तो पाई इज इक्वल टू सीआरटी, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा,
और ये इसका एक्सपैंड कर दे, पाई इज इक्वल टू सीआरटी पता चला, आइडियल गैस इक्वेशन से ध्यान रख सकते हैं। यहां पर अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को एक्सपैंड कर दोगे गिवन मास बाय मोलर मास की टर्म्स में, तो ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका पढ़ लेना, यहां पर वही सेम टू सेम बात लिखी हुई है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है विच इज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो दो सॉल्यूशन के लिए अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहां ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह ना तुम कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, पाई इज इक्वल टू सीआरटी होता है, ये गैस कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर दो सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो उस तरह के सॉल्यूशंस को आप क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। उसके बाद आपके पास एक सॉल्यूशन आता है हाइपरटोनिक और एक सॉल्यूशन आता है हाइपोटोनिक। यानी अगर आपका दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर या दूसरे सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपोटोनिक, और दूसरे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी कराया तुम्हें और कल की स्पेशल क्लास में इसके ऊपर आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगी। यहां से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है बोर्ड में भी और यहाँ आपका इसमें भी, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक प्लाज्मोलाइसिस और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पर। तो क्या होता है कि आरबीसीज आपके एक कॉन्सेंट्रेशन पर, वो कॉन्सेंट्रेशन अभी नहीं बता रही हूँ, आइसोटोनिक होते हैं NaCl सॉल्यूशन के साथ। तो कितना NaCl का कॉन्सेंट्रेशन होगा कि कब वो हाइपरटोनिक बना लेगा, कब हाइपोटोनिक बना लेगा, कब आइसोटोनिक बनाएगा, अगर आपको पता है अभी तो बता सकते हो, अदरवाइज इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो दैट इज वॉट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, इन द स्पेशल क्लास टुमारो, ठीक है। और आपकी एक डिजीज होती है एडमा, उसको भी हमने डिस्कस करना है। इसी तरीके से रेजिंस आपकी क्यों स्वेल कर जाती है, तो इसका अच्छा खासा जो है वो बनता है। 1 बजे लेक्चर है, 1 बजे, हाँ जी 1 बजे तो मेरा तो नहीं है, बाकी अब आप फ्री होने वाले हो वेरी सून, ठीक है। तो देखो यहां पर ये लिखा हुआ है और इसको रहने देते हैं अभी। एबनॉर्मल मोलर मास, ये देखिए ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके पास ये आता है ना वेंटॉफ फैक्टर, ठीक है। वेंटॉफ फैक्टर अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसमें और 2 मिनट में बाय 1 o'clock हमारा इजीली फिनिश हो जाएगा वेंटॉफ फैक्टर तक। हाँ ठीक है, मैम का क्लास है उससे पहले मैं आपको फ्री कर दूंगी, बस 5 मिनट और रुकेगा, जस्ट 5 मिनट्स और हमारा ये वेंटॉफ फैक्टर फिनिश हो जाएगा। वेंटॉफ फैक्टर को आप डिनोट करते हैं ये आई से, ठीक है। तो आपका ना वेंटॉफ फैक्टर अलग अलग तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको ऑब्जर्व वैल्यू दिया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, अब ऑब्जर्व क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये तुम आप पूछोगे तो फिर तो मजा नहीं आएगा ना। अरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मान लो तुम्हें क्या बोलते हैं डेल्टा टीबी का वैल्यू दे दिया, ठीक है। डेल्टा टीबी का उन्होंने तुम्हें वैल्यू कुछ ना कुछ दिया, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। फिर आपको जो डाटा दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम, अब मान लो आपको क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, केबी भी दिया हुआ है और ये मोलालिटी भी दिया हुआ है, तो जब मैंने दोनों की वैल्यूज रखकर देखा तो मेरे पास कुछ अलग आया और उसको मैंने क्या कहा, डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड, वेंटॉफ फैक्टर निकल जाएगा। कैलक्यूलेटेड मोलर मास डिवाइडेड बाय द ऑब्जर्व मोलर मास, इसी तरीके से अगर आप यहां पर कैलक्यूलेटेड बाय ऑब्जर्व कर दें तो भी आपके पास वेंटॉफ फैक्टर निकल कर आ जाएगा। एंड अगर आपके पास, देखो यार एक बात बताओ, NaCl है, NaCl है, NaCl डिसोसिएशन से पहले है ना, NaCl डिसोसिएशन से पहले कितना मॉलिक्यूल है मेरे पास, इसका केवल एक है। डिसोसिएशन के बाद ये इलेक्ट्रोलाइट Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन देगा तो 2 आयंस बनेंगे, तो इसका वेंटॉफ फैक्टर क्या आएगा, आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स हैं, 1 2, तो 2, बिफोर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल्स थे, 1, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं डिसोसिएशन से पहले, है ना, आफ्टर डिसोसिएशन 2 और बाय, ये तो वेंटॉफ फैक्टर इसका कितना निकल कर आ गया, 1, तो ऐसे कितना आसान है देखो वेंटॉफ फैक्टर निकालना। अब आपकी जो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो अगर आप उसमें वेंटॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दें, और आपको कैसे पता चलेगा कि हमें भाई वेंटॉफ फैक्टर निकालना है, लगाना पता चलेगा क्वेश्चन से, अगर वहां वेंटॉफ फैक्टर की बात की है तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, ठीक है। तो यहां पर देखो पहला वाला, इन्होंने जो पहली वाली आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसमें आई लगा दिया, यहां पर इसके यहां आगे आई लगा दिया, इधर आई लगा दिया, कुछ नहीं, तुमने बस आया ऐसे मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट्स इट। उसके बाद यहां पर अगर आपका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई है, एक बात को प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, यहां से आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा, आपकी जो भी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना,
आपकी जो भी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई होप मैं विजिबल हूं और सब कुछ अच्छे से दिख रहा है ना, जो भी आपकी ऑब्जर्व, हाँ ठीक है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर उसकी वैल्यू नॉर्मल से कम निकल कर आई है ना, ऑब्जर्व कैलकुलेटेड से कम है तो इसका मतलब सॉल्यूट आपका एसोसिएटेड है, और अगर ऑब्जर्व आपकी नॉर्मल से ज्यादा निकल कर आई है तो इसका मतलब सॉल्यूट क्या है। देखो दोनों जगह सेम ही बात लिखी हुई है, दोनों जगह सेम ही बात लिखी हुई है कि सॉल्यूट इज एसोसिएटेड, सॉल्यूट इज एसोसिएटेड, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, एक जगह एसोसिएटेड आएगा, एक जगह डिसोसिएटेड, और वो आप लोग मुझे बताएंगे और इसका डिस्कशन आप करेंगे हम किस में, कहां पर, स्पेशल क्लास में, और इसका एक लास्ट फॉर्मूला बनता है विच अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेशल क्लास में, क्योंकि यहां पर ना ऐसे नहीं हो पाएगा ये जब तक आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझेंगे, तो एग्जाम्पल के साथ हम इसको डिस्कस कर लेंगे कल स्पेशल क्लास में। तो आज आना सुबह सुबह 10 बजे सॉल्यूशंस के, हम ये वाले पहले, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी क्लास आपका बैंड ऑफ फैक्टर, हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक वाले सॉल्यूशंस के साथ, वहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं इनके साथ, उसके बाद उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे। तो क्लास में सब लोग आएंगे और आप लोग बस सिंपल है बहुत तरीका आने का, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो विच इज AKA लाइव, तो फ्री में आपको मिल जाएगा स्पेशल क्लास में एंट्री, एंड है ना फ्री में स्पेशल क्लास में एंट्री मिल जाएगा। और जी अगर आप लोग सोच रहे हैं तो ये रहा आपका समर्पण बैच विच इज फॉर क्लास 12 एंड नीट 22 एस्पायरेंट्स, बंपर ऑफर रनिंग है, नर्चर बैच है 23 एस्पायरेंट्स के लिए, आप जा सकते हैं 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ। अगर आप 22 एस्पायरेंट हैं, वैसे तो मेरे साथ अभी 22 कम ही होंगे है ना, 21 वाले होंगे, तो जी 21 वाला हो तुम 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, इट इज वेरी वेरी अफोर्डेबल सिंपल, आपके पास इजी EMI ऑप्शंस अवेलेबल है। तो देखिएगा इसमें अगर आप कोड यूज कर देंगे AKA लाइव, तो वैसे भी जो है आपको क्या मिल जाएगा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिल जाएगा, सो दैट इज ऑल्सो कूल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी टूडे, एंड डू नॉट मिस टू शेयर दी सेशन, ठीक है, डू नॉट मिस टू लाइक, हिट द लाइक बटन। देखो जी लाइक करे बिना किसी ने नहीं जाना है ना, तो डेफिनेटली लाइक करेगा सेशन को, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बाय बाय, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ विच इज सॉलिड स्टेट। तो आपका सॉल्यूशंस हुआ आज फिनिश, ठीक है, कल मिलते हैं सॉलिड स्टेट के साथ, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, ओके।